सो गाइस, जब पूरी दुनिया क्रिसमस और न्यू ईयर मना रही थी, तब हमारा वर्ल्ड कराटे फेडरेशन WKF रूल बना रहा था। अच्छा ऐसे तीन रूल आज जानने वाले इस वीडियो में, जो कि कुछ बेनिफिट दे सकते हैं और कुछ आपकी जेबें खाली कर सकती है। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज साहिल एंड यू वाचिंग इस कराटे यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप भी एक कराटे फैन हो मेरी तरह और आप सोशल मीडिया पे कराटे की वीडियो पसंद करते हो देखना, तो आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा जिसमें जजिंग का फ्लैग सिस्टम को हटा के जॉयस्टिक से जजिंग कर रहे थे, ठीक है। जब मैंने इस पर सर्च किया तो मुझे पता चला वो वीडियो इटली का था, और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कराटे की कंटिन्यू सक्सेस और डेवलपमेंट के बाद वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने सोचा कि हम लोग जजिंग सिस्टम में भी और एक लेवल अप जाना चाहिए। तो हमारे स्पोर्ट्स कराटे में उन्होंने टेक्नोलॉजी को ऐड करने का फैसला किया, और विद द हेल्प ऑफ इटालियन कराटे फेडरेशन उन्होंने कैंप रखा, ट्रेनिंग रखा, जिसके थ्रू उन्होंने फ्लैग को जजिंग सिस्टम से रिमूव कर दिया बाय द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक। सो आने वाले 2023 में एवरी ऑफिशियल WKF टूर्नामेंट में भी हो सकता है कि वो स्कोरिंग सिस्टम WKF के जॉयस्टिक से करें। WKF का न्यू रूल और न्यू अपडेट हमारे वार्निंग सिस्टम को ले किया। तो पहले कुमिते में दो कैटेगरी हुआ करता था, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू, और वो दोनों अभी कंबाइन हो गए, सिर्फ एक कैटेगरी बचा कैटेगरी वन। तो चार वार्निंग में यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, एंड ये बहुत के लिए अच्छा भी है, बहुत के लिए बुरा भी। पहले कन्फ्यूजिंग होता था, अब उतना कन्फ्यूजन नहीं है। चुई वन, चुई टू, चुई थ्री एंड गेम ओवर। सो मेरे जैसे प्लेयर के लिए तो दिक्कत देने वाली बात है, मैं हार्ड हिट कर देता हूँ और वार्निंग मिल जाता है मुझे। तो इस अकॉर्डिंग मुझे अपना गेम डेवलप करने पड़ेगा। बट एनी सो गाइज, जो हमारा WKF का थर्ड रूल है वो मे भी हमारे पॉकेट पे भारी पड़ सकता है, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली है उन पे भारी हो जाएगा, क्योंकि पैसे की कमी हो सकती है। तो WKF ने ये अनाउंस किया है कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के एवरी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में बोथ काता एंड कुमिते, आका एंड आओ एडिशन के जितने भी यूनिफॉर्म है वो कंपलसरी रहेगा। सो गाइज, अगर ऐसा हुआ और इंडिया में भी मे बी अगर ये कंपलसरी नेशनल्स में हो गया, इट विल वेरी हार्ड टू प्ले कुमिते और काता एनी टूर्नामेंट। सो इंडिया, और इससे जो होगा ना फायदा दुकानदार को, दुकानदार डायरेक्ट बोलेंगे पैसा ही पैसा होगा। ओह माय गॉड। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपके लिए तो फ्री है, बट मुझे इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। और थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रहना। लव यू, बाय बाय। मिलते हैं किसी न्यू ऑसम वीडियो में।